अस्सलामुअलैकुम तो कहते हैं आप, तो वेलकम टू आवर चैनल बिकम फुल स्टैक डेवलपर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने अब आपको बता देती हूँ कि हमने एक टेबल पिछली बार ऐड किया था अपने लास्ट लेक्चर में, अभी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि आप अपने टेबल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट में, थ्री पार्ट में, फोर पार्ट में। इन सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कंप्लीट डिटेल्स से, तो आपने वीडियो लाजमी देखनी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं आपको आज की वीडियो में क्या बना के सकेंगे, कौन सा टेबल, ठीक है। तो मैंने शीट पर उसका थोड़ा सा डेमो बना लिया। ये देखें, स्कूल स्टूडेंट शीट है, इसमें देखें ये चौक कॉलम एक के साथ मर्ज हो रहे हैं। ये हम गूगल शीट पे तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये आप वेबसाइट पे कैसे करेंगे, एचटीएमएल क्या टैग कौन से यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। या टेबल आप सीएसएस यूज़ करके भी बना सकते हैं वेबसाइट पर, वो भी आपको सीएसएस के कोर्स में बताऊँगी। फिलहाल मैं आपको एचटीएमएल में बताऊँगी कि आप कौन सी कोडिंग करके, कैसे टैग यूज़ करके टेबल सेम इसी तरह जो कि मैं भी आपको दिखा रही हूँ गूगल शीट पे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी, ये मेरी वेबसाइट थी टेबल जो मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था, अभी मैं आपको इससे फर्दर बताऊंगी। तो ये इसकी कुछ कोडिंग थी, आपको याद ही होगा, जो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जो भी देख लें। तो इसमें आप आगे टेबल बनाते, एक न्यू अपने टेबल बनाना है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है, वो टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक कर टैग इस पर यूज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे दोनों टेबल्स के दरमियान, ठीक है। हमने ब्रेकर टैग यूज़ कर दिया। नेक्स्ट जो हमने न्यू टेबल बनाना है, उसमें अगेन टेबल का टैग, इसमें मैं टेबल का टैग यूज़ करेंगे कि हमने एक न्यू टेबल बनाना है। और उस टेबल में हम कुछ चीज़ें, जैसे कि हमने ऊपर भी देंगे, हम उसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर के साथ हम छोटे रखेंगे ताकि पतली सी लाइन बॉर्डर बने, तो उसको हम क्या कर देते हैं, टू, ठीक है। हमने इसका टू कर दिया। इसके अलावा हम बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का कलर हम क्या देंगे, बॉर्डर कलर मैं कह रही थी कि ब्लैक दे, थोड़ी सी रियल लुक आए, या हम इसको येलो ग्रीन, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि आपको अच्छे लगता है आप उसको वैसे दे सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ब्लैक कलर दे। इसके अलावा मैं अपने टेबल का जो बैकग्राउंड कलर, वो मैं देख सकती हूँ वो मैंने क्या देना है, तो वो भी दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है, ग्रीन, पिंक, वाइट, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपने सेल पैडिंग, सेल पैडिंग होता है सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आप क्या देना चाहते हैं। फिलहाल मैं वो नहीं दूंगी क्योंकि मुझे टेबल डिवाइड करना है, तो हर चीज़ मेरी सेल में खुद ही आ जाएगी, तो मैं इसको जीरो रन देती हूँ। इसके अलावा मुझे सेल स्पेसिंग है, वो भी जब मैं सेल ही नहीं बना रही तो मुझे सेल स्पेसिंग भी नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सेल स्पेसिंग इसको भी हम कर देते हैं जीरो। और आप इसके अलावा अपने जो सेल है उसको हाई हाइट, अगेन नीचे इसको भी हम हाइट दे देंगे, और मैंने 300 to 500 दी थी, तो यहाँ पर भी मैं वही दे देती हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसलिए दे रही ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए, ठीक है। विड्थ भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ 500, जैसे कि मैंने ऊपर दी थी, क्योंकि ये टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये चीज़ें हमने सारे टेबल के टैग के अंदर ही यूज़ करनी होती है। इसके अलावा हम क्या कर देंगे, टेबल टैग को कर देंगे क्लोज, ठीक है। फिर देखिए, जब हम नीचे आएंगे तो ये देखो टेबल का टैग उन्होंने खुद ही ऐड कर दिया, ये विजुअल स्टूडियो का आपको बार बार बता चुकी है। नोट पैड तरीका भी लोग पहले करते थे, लेकिन विजुअल स्टूडेंट आ चुके हैं तो अब इसी पर ही कोडिंग करिएगा, काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे टेबल के अंदर जितनी हमने चीज़ें करनी थी वो कर ली। अब हमने मेन टेबल स्टार्ट करना है, जैसे कि आपको दिखा भी देती हूँ अगेन। तो ये देखिए, ये टेबल का हमने मेन स्ट्रक्चर अपना स्टार्ट करा है। देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है टेबल हेडिंग की है, ये देखिए टेबल हेडिंग के अंदर ही वो स्कूल स्टूडेंट शीट आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये रो है, ठीक है, और उसमें आ रहा है टेबल हेडिंग, आ रही है स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, अगर आपको फिर भी समझ नहीं, तो मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया हुआ कि ये देखें, एक टेबल रो होती है, ऊपर आपको नजर आ रहा है, उसमें हमने टेबल हेडिंग होती है, टेबल हेडिंग मेन चीज़, ठीक है, हेडिंग। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल रो है एक हमारी पहली वाली, उसको हम टैग को कर देंगे क्लोज। पहली रो पर अब हम क्या लिखेंगे वो आपको बताने लगी हूँ। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। अब हमने क्या किया था, इसमें टैग कर दिया था ऊपर क्लोज, लेकिन हमें टेबल हेडिंग हम क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक टैग, एक फार्मूला यूज करेंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में क्या होता है, ये कॉल स्पैन करता है, कोलैप्स कर देते हैं एक सेल को, दो सेल को, तीन सेल को, चार सेल को। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखिए, एक ये पहले जो रो है स्कूल स्टूडेंट में, वहाँ एक सेल को, दो सेल, तीन, चार, ये चार सेल को मर्ज करके एक ही हेडिंग बनी हुई है स्कूल स्टूडेंट सी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चार सेल को कोलैप्स करना है, ताकि वो चार सेल को कोलैप्स करके क्या वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने वर्ड लिखना है स्कूल स्टूडेंट शीट, ठीक है।
तो ये हमारी पहली लाइन है जो पहले वो बन चुकी है जिसने हमने चार दोस्तों क्लैप्स करके अपनी हेडिंग बना दी है। ये बिल्कुल जब मैं इसको सेव करूँगी ये वैसे ही लिखा हुआ आएगा। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करूँगी क्योंकि इसका भी मैंने डाटा बाकी कंप्लीट नहीं किया, तो वो कंप्लीट करके आपको बाकी फिर बताऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट रो हो चुकी है। अब हमने सेकेंड रो देख ली, सेकेंड रो में अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सेकेंड रो में हमारे पास दो टेबल हेडिंग है, एक तो साइंस स्टूडेंट है, दूसरी है कंप्यूटर साइंस। और उसमें क्या है, साइंस स्टूडेंट्स में क्या है, क्लैप्स कितने क्लैप्स है, दो सेल क्लैप्स करके उन्होंने एक हेडिंग बनाई हुई है। और कंप्यूटर साइंस में भी यही है कि उन्होंने दो सेल को क्लैप्स किया हुआ और एक हेडिंग बनाई हुई। तो यही हम चीज़ें बस यहाँ पे कर देंगे सिंपली। अगेन हमने टेबल रो ही स्टार्ट करनी है, उसको कर देंगे क्लोज, कर दिया। अब हमने टेबल हेडिंग बनानी है। टेबल हेडिंग मैंने आपको बताया कि कितने सेल क्लोज हो रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमने नीचे फार्मूला आ चुका है। दो सेल मैंने आपको बताया था, दो सेल हो रहे हैं तो हमने दो लिख देते हैं और उसको कर देते हैं टेबल हेडिंग कर देते हैं क्लोज। तो दरम्यान में हमने वर्ड लिख देना है, कौन सा वर्ड था पहले, साइंस स्टूडेंट। ठीक है, ये तो हमारा एक हो चुका है। अब हमने दूसरा था कंप्यूटर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, ये टेबल हेडिंग क्लोज कर देना है, एक नया टेबल हेडिंग का स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले टेबल हेडिंग हमारे हो चुके, तो अब इसमें भी हमने सेम सूर्य मैंने सेम वैसा ही कर देना है। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, सेम वैसे ही क्लैप्स कर देना है, क्लोज से पेन कर देना है। कितने सेल को कर देना है वो हम लिखते हैं, उसमें भी हमने दो सेल को करना है। ठीक है, जैसे कि हमने साइंस स्टूडेंट में दो किया होता और आगे भी हमने दो को ही करना है जिसमें हम लिखेंगे कंप्यूटर स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर स्टूडेंट। ओके, तो ये देखिए इसमें भी हमारा क्लोज हो चुका है। ये हमारी एक ही रो है, देखिए हमने इसके स्टार्ट में एक टेबल रो का टैग यूज़ किया और एक हम एंड में यूज़ किया, क्योंकि ये सब कुछ देखिए एक ही रो में पूरा आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये एक ही रो है, उसी में ही देखें दो सेल को मिला के एक बनाओ, फिर दो सेल को मिला के अलग बनाओ। तो इस वजह से आपने टेबल हेडिंग की रो टैग अलग यूज़ करना है इसके लिए और इसके लिए अलग यूज़ करना है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा यहाँ तक बन चुका है, इसको ऊपर कर देती हूँ। अब हमने दूसरा क्या करना, हमने आगे डाटा लिखना है। डाटा अब हमारे पास ये देखें, ये भी हमारे पास टेबल हेडिंग ही है। तो ये नेम मार्क्स, नेम मार्क्स, ठीक है, पहले ये दो चीज़ें हैं। तो हमने क्या करना है, वो आपको बता रहे थे ऊपर की, जब मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं ऊपर जो मैंने यूज़ किया था, मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपको सब कुछ करके भी दिखाऊंगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं आपको ये दोबारा भी करके, मैंने इसको कॉपी कर लिया अपने टाइम बचाने के लिए, उसको कर देती हूँ पेस्ट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो मेरी टेबल हेडिंग थी नेम था, दूसरी रोल नंबर थी, और हम ठीक है पहले दो चीज़ें ये आ गई हैं। ठीक है, ये देखिए आपको बता देती हूँ, ये देखें ये नेम और मार्क्स है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क्स कर देती हूँ, मार्क्स मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। सेकंड भी हमारे एक ही रो में क्या है, दो मतलब नेम और मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी नेम और यहाँ पे मैंने कर दिया है मार्क्स। ठीक है, ये मेरी थर्ड रो है। देखिए पहली रो थी मेरी स्कूल स्टूडेंट सीट की, सेकेंड रो थी मेरी साइंस स्टूडेंट कंप्यूटर स्टूडेंट की, थर्ड रो है मेरी नेम मार्क्स, नेम मार्क्स। देखिए आपको दोबारा दिखा देती हूँ, पहली वो थी, दूसरी स्टूडेंट की थी, साइंस स्टूडेंट, थर्ड है नेम मार्क्स, नेम मार्क्स, ये एक ही रो में चार चीज़ें आ रही, तो इसकी वजह से मैंने दो दो करके लिख दिया। अब हमारी जो मेरी जो नेक्स्ट रो है, ठीक है, नेक्स्ट रो में क्या आएगा, अली उसके मार्क्स है, आयशा उसके मार्क्स है, तो ये एक ही रो है। ठीक है, ये देखिए एक ही है, तो इसी को मैं दोबारा यहाँ पे कर दूंगी, नीचे मैं कर दूंगी अली ही है, उसके मार्क्स यहाँ पे है 460, ली के मार्क्स है 460, सेकेंड आयशा लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं आयशा कर देती हूँ, एक ही रो है, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, और उसके मार्क्स हैं यहाँ पे 450। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इसकी दोबारा से रो वही बना ली है, उसमें मैंने एक ही टैग यूज़ किया टी आर का, वो एक ही रो है, तो उसको मैंने एंड पे वही टैग क्लोज किया। सेकेंड अब हम देख लेते हैं कि सेकेंड हमारे पास क्या नाम था, सेकेंड हमारे पास अहमद नाम था, तो उसको लिख दिया। उसके अलावा उसके मार्क्स कितने थे वो लिख देते हैं, 461 थे। दूसरा हमारा नेम क्या था, फातिमा था, ये एक ही रो है। ठीक है, तो हम इसको एक ही रो में लिख देंगे फातिमा, और जो फातिमा के मार्क्स है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 451। ठीक है, ये सारे डाटा वगैरह मैंने चीज़ें कर ली, आपको समझ आ गई होगी। इसको जब मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कैसल में मैंने किया क्या है। ये देखिए अगला टेबल भी सेम वैसे ही बन चुका है, जैसे कि मैंने बताया था पहली रो में सेम ऐसे, जैसे कि गूगल शीट पर मैंने बनाया था कि चार रोज हैं, वो चार रोज है वो मिल रही हैं, फोर स्टूडेंट सीट वो भी हमारे पास हो चुके हैं। सेकेंड में देखिए दो सेल को मिला के साइंस स्टूडेंट लिखा हुआ है, वो भी लिख लिया है।
और कंप्यूटर स्टूडेंट है वो भी लिख चुका है, ठीक है। नीचे हमारे नेम मार्क्स, नेम मार्क्स है अली 460 है, अहमद 461 है, आयशा 450 है और फातिमा 451 है। सेम वैसे ही सेल हमारा जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पर भी सेम वैसे ही बन चुका है। ये कोडिंग करके हमारा वही टेबल बन चुका है। अब इसमें हमने कुछ और भी एडिटिंग करना चाहते हैं। अभी मैंने सिर्फ दो यहाँ पे रोज यूज़ किए हैं, दो हेडिंग यूज़ किए हैं। इसके अलावा आप एक और हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इसमें चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीरियल नंबर ऐड करना चाहें तो हम सीरियल नंबर भी कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें एक और टेबल हेडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। टेबल हेडिंग अगर मैं एक और कर दूँ, टेबल हेडिंग टैग हम क्लोज कर देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं नंबर, ठीक है, जिसमें नंबर कर दिया और वो क्लोज होगा। अब नीचे हमें सेम टेबल डाटा में भी हमें वही करना पड़ेगा, TD, उसमें हमें लिख देते हैं 1। और सेम नीचे हमने अहमद से पहले, वो नेम से पहले लिखना है, या फिर हमने अहमद से पहले ही सेम ऐसे ही TD क्लोज और उसको कर देना है 2, ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे वो भी कर दिया, इसमें हमने TD1 लिख दिया, TD2 लिख दिया सीरियल नंबर। अब हम इसको सेव करते हैं, बल्कि हमें सेव करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये देखें हमने, मैं यहाँ बताती हूँ, हमने यहाँ पे एक, हमने एक और सेल ऐड कर दिया, जैसे कि 1, 2 सीरियल नंबर, ये हमारे पास एक और टैग ऐड हो चुका है। तो हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ऊपर सेल है उसको कोलैप्स करना पड़ेगा, तो वो भी अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऊपर कोलैप्स से 2 थे, अब हम यहाँ पे 3 करेंगे, क्योंकि हमने एक और सेल ऐड कर दिया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे 3 कर देती हूँ, और ऊपर देखिए 3 और 3 6 होते हैं, तो इससे ऊपर हम 6 कर देंगे, ठीक है। इसको सिक कर देते, इसको सेव करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया, या हम कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं जब रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए, उन्होंने ये देखिए यहाँ पर उन्होंने 2 किए हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमें यही सीरियल नंबर ऐड करने पड़ेंगे, PD ये होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड किया है नेम और इससे पहले, तो यहाँ पर भी मैं नेम से पहले वही ऐड करूँगी, PH टेबल एडिंग में। यहाँ पर भी मैंने नंबर सीरियल नंबर ऐड करने पड़ेंगे जैसे कि मैंने वहाँ पर किए थे, और यहाँ पर भी मैंने T डाटा क्लोज करके 1, और सेम नीचे मुझे वैसे ही डाटा ऐड करना पड़ेगा, टेबल डाटा क्लोज 4, 2, ठीक है। अब मुझे लगता है अब इसका सही बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो पहले एडिंग ऐड नहीं की थी। इसको अब मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए अब मेरे पास रिजल्ट अच्छा आ चुका है। उन्होंने 3 साल मिला के साइंस स्टूडेंट कर दिया है, कंप्यूटर साइंस 30 स्टूडेंट मिला के साइंस कर दिया है, बाकी उन्होंने स्पोर्ट्स स्टूडेंट बिल्कुल सेंटर में कर दिया, 6 साल मिल गए हैं। अगर हम इसको 4 ही रहने दोगे तो ये साइड पे हो जाएगा, ये सेंटर में नहीं आएगा। नीचे देखिए सीरियल नंबर भी 1, 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी, टेबल हेडिंग में वो बोर्ड हो जाएगा और टेबल डाटा में वो बोर्ड नहीं है। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने जैसे कि मैंने यहाँ बनाया था, इसमें मैंने सीरियल नंबर ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आप कोडिंग कैसे करते हैं। मैंने काफ़ी ईजी तरीके से आपको बताया, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, आपको दोबारा भी बता दूंगी करके, और वरना आपको नहीं भी समझ आए तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, साथ साथ जो मैंने चीज़ें की हैं से वैसी चीज़ें नोट करें, तो आपको समझ ज़रूर आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।